दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल 2022 के 29वें मुकाबले के बारे में जो खेला जाएगा गुजरात वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच में। मुकाबला महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे के विकेट पर खेला जाएगा और यहां के विकेट के बारे में अगर बात करें तो इस आईपीएल सीजन में अभी तक टोटल 5 मुकाबले यहाँ पर हुए हैं, जिसमें से 3 मुकाबले बैट फर्स्ट ने और 2 मुकाबले चेस करने वाली टीम ने विन किए हैं। पहला मुकाबला हुआ राजस्थान ने 210 बनाए, हैदराबाद 149 बना पाई। इस मैच के अंदर टोटल 13 विकेट गिरे। फिर गुजरात ने दोस्तों 171 किया था और सामने से दिल्ली की टीम है वो 157 बना पाई। इस मैच में आप देखोगे टोटल 15 विकेट गिरे। उसके बाद मुंबई ने 161 बनाए, केकेआर ने दोस्तों स्कोर चेस कर लिया। इस मैच में टोटल 9 विकेट गिरे। उसके बाद फिर मुंबई ने 151 बनाए थे, बेंगलोर ने मुकाबला चेस कर लिया। इस मैच में फिर 9 विकेट गिरे। और जो लास्ट मुकाबला हुआ उसमें पंजाब किंग्स ने 198 का टारगेट सेट किया था, पीछे से मुंबई की टीम 186 यहां पे बना पाई थी। इस मैच में टोटल 14 विकेट गिरे। यानी दोस्तों आप देखोगे पहला मैच था उसमें फर्स्ट इनिंग में 210 बने और लास्ट मैच में 198 बने। उसके अलावा जो एवरेज स्कोर है वो लगभग दोस्तों 170 के आसपास का यहां पे रहा है और विकेट भी आप देखोगे दोस्तों हर मैच में लगभग 10 या 11 विकेट की एवरेज से विकेट गिर रहे हैं। और स्पिन वर्सेस पेसर्स को कंपेयर करेंगे तो पेसर्स को ज्यादा विकेट मिले हैं। पेसर्स ने 43 विकेट निकाले हैं, स्पिनर्स को सिर्फ यहां पे 12 विकेट मिले हैं। यानी लगभग जो विकेट है वो बैट्समैन प्लस में दोस्तों जो पेसर्स गेंदबाज है उनको अच्छा सपोर्ट कर रहा है। बाकी पिच को लेकर जो भी फ्रेश अपडेट आएगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम में और टेलीग्राम ज्वाइन करने के 2 लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात टाइटन्स के बारे में, जिनका प्रदर्शन लगातार काफी शानदार रहा है। 5 मुकाबले खेले हैं उसमें से 1 मुकाबला इन्होंने हारा है, बाकी के 4 मुकाबले ये विन करके आए हैं। टीम की ओर से मैथ्यू वाडे लगातार टीम के लिए ओपन कर रहे हैं। पहले मैच में 30 बनाए थे, उसके बाद 1, 6, 19, 12 यानी पिछले कुछ मैचों से दोस्तों अपनी पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। शुभम गिल है 2 मैच में 84 और 96 किए थे, बाकी के 2-3 मैच है दोस्तों वो शुभम गिल के लिए इतने खास नहीं रहे। विजय शंकर को दोस्तों अगर देखा जाए तो अभी तक पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई खास इनिंग इनके बैट से नहीं आई है और बॉलिंग में भी जहां पर इनका 1-2 बार यूज किया है वहां पर भी दोस्तों इन्होंने कोई खास गेंदबाजी नहीं की है। हार्दिक पांड्या लगातार टीम के लिए दोस्तों जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 33, 31, 27 फिर हाफ सेंचुरी और लास्ट मैच में 87 बनाए। बॉलिंग में आप देखोगे तो पिछले खेले गए 4 मैचेस के अंदर 4 विकेट हार्दिक पांड्या निकाल चुके हैं। अभिनव मनोहर के बारे में बात करें तो जब जब मौका मिला है दोस्तों बंदे ने शानदार प्रदर्शन किया है, खास करके पिछले 2 मैच में देखोगे लास्ट मैच में 43 और सेकेंड लास्ट मैच में 35 बनाए। डेविड मिलर है नंबर 5 और 6 पर खेलते हैं, 30, 20, 6 नाबाद 13 और लास्ट मैच में 31 बनाए। राहुल तेवटिया ने दोस्तों पहले मैच में 40 नाबाद किए थे, फिर 14 बनाए, फिर 13 नाबाद बनाए, फिर 6 बनाए और लास्ट मैच में इनकी बैटिंग नहीं आई, लेकिन दोस्तों जबरदस्त अटैकिंग बल्लेबाज है, किसी भी टाइम टीम है इनको दोस्तों प्रमोट करके ऊपर बैटिंग करने के लिए भी ला सकती है और कभी भी टीम इनसे 1-2 ओवर बॉलिंग करवा सकती है। हालांकि बॉलिंग में अभी तक 4 मैच में इन्होंने कोई विकेट नहीं निकाला है। राशिद खान का देखें तो शुरू के 4 मैचेस के अंदर दोस्तों 6 विकेट थे, लास्ट मैच में इकोनॉमी तो काफ़ी शानदार रही लेकिन राशिद को विकेट नहीं मिला। लोकी फर्गुसन है दोस्तों या तो विकेट मिलता नहीं है या गुच्छों में विकेट निकालते हैं, 3 मैचेस में दोस्तों 8 विकेट हैं और 2 मैच ऐसे हैं जहाँ पर इनको कोई विकेट वगैरह नहीं मिला हुआ। मोहम्मद शमी है दोस्तों शुरू के 3 मैचेस के अंदर 6 विकेट निकाले थे, लास्ट के 2 मैचेस के अंदर सिर्फ 1 विकेट मिला है। यश दयाल लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज हैं, लास्ट मैच में पहली बार खेलने का मौका मिला, 4 ओवर में रन तो 40 खर्च किए लेकिन दोस्तों 3 बहुमूल्य विकेट निकालने में भी ये कामयाब रहे। मैचेस के प्लेयर को लेकर जो भी चेंज होगा आपको अपडेट टेलीग्राम में मिलेगी। तो अब सीधा बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग के बारे में। शुरू के 4 मुकाबले हारने के बाद लास्ट मैच है दोस्तों ये बेंगलोर को 23 रनों से हरा कर आए हैं, ये पहला मुकाबला इन्होंने विन किया। टीम की ओर से रोबिन उथप्पा लगातार टीम के लिए ओपन कर रहे हैं, 28, 50, 13, 15 और लास्ट मैच में 88 रनों की शानदार और दोस्तों अटैकिंग पारी इन्होंने खेली। ऋतुराज गायकवाड़ का फ्लॉप शो जारी है, शुरू के 3 मैच तो बिल्कुल खराब थे, पिछले 2 मैच से 16 और 17 बनाए हैं, अपनी पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। मोइन अली ने 2 अच्छी पारियाँ खेली, 1 में 35, 1 में 48 बनाए, 2 पारियों में पूरी तरह से ये फ्लॉप रहे हैं। अगर बॉलिंग में देखा जाए तो 4 मैचेस के अंदर दोस्तों
इन्होंने एक दो ओवर ऐसे पार्ट टाइम गेंदबाजी की है और कोई भी विकेट वगैरह इनको नहीं मिला। इनके बाद शिवम दुबे हैं, काफ़ी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। लास्ट मैच में 95 बनाए, इससे पहले 57-49 जैसी भी दो अच्छी इनिंग खेल चुके हैं। तो शिवम दुबे दोस्तों बैटिंग के तौर पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है चेन्नई की ओर से, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। बॉलिंग में हालांकि टीम कोई ज़्यादा इनका यूज़ नहीं कर रही। रविंद्र जडेजा 26-17-23 ये तीन इनकी बेस्ट इनिंग है, दो मैचों में डक्का शिकार हुए हैं। बॉलिंग में देखा जाए तो दोस्तों शुरू के चार मैच में सिर्फ एक विकेट था, लास्ट मैच में 4 ओवर में 39 रन खर्च करके जडेजा ने 3 विकेट निकाले। एमएस धोनी हैं, शुरू के 3 मैच में 50, 16 और 23 किए थे लेकिन लास्ट के दोनों मैचों में बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। अंबाती रायडू 15-27-13-27 यानी स्टार्ट मिल रहा है, अपनी पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। डैन ब्रेवो बैटिंग कुछ खास नहीं रही। बॉलिंग में देखोगे दोस्तों तो शुरू के मैच में 3 विकेट निकाले थे, उसके बाद पिछले 4 मैचों में 4 विकेट यानी टोटल अब तक 7 विकेट निकाल चुके हैं। क्रिस जॉर्डन पहले मैच में 2 विकेट निकाले, उसके बाद लास्ट के 2 मैचों में दोस्तों इन्होंने 5 ओवर डाले हैं और 5 ओवर में 54 रन खर्च किए, कोई विकेट जॉर्डन को नहीं मिला। टीम चाहे तो इनको रिप्लेसमेंट करके किसी अदर प्लेयर को मौका दे सकती है। मुकेश चौधरी है, शुरू के मैच में कोई विकेट नहीं था, लास्ट के 3 मैचों में मार जरूर पड़ी है दोस्तों लेकिन 3 विकेट इन्होंने निकाले हैं। महेश तिक्साना एक मैच खेला था, उसमें विकेट नहीं मिला, फिर 1-2 मैच में इनको बेंच पर जाना पड़ा, लास्ट मैच में कमाल की और दोस्तों मैच विनिंग गेंदबाजी इन्होंने की, 4 ओवर में 33 रन खर्च करके 4 विकेट तिक्साना ने टीम को निकाल के दिए। बैंस के प्लेयर को देखा जाए दोस्तों पेटोरियस को टीम बैक कर सकती है, इसके अलावा दोस्तों हो सकता है जॉर्डन की जगह पे एडम मिलने को भी ये ला सकते हैं, तो जो भी चेंज करेंगे आपको टेलीग्राम में अपडेट मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डेमो टीम के बारे में। तो दोस्तों विकेट कीपिंग में देखा जाए तो मैं वार्डी को अपनी टीम में ट्राई करूंगा क्योंकि एमएस धोनी दोस्तों वो काफ़ी लेट बैटिंग करने आते हैं, अगर आप चाहें तो धोनी के साथ भी जा सकते हैं, दोनों आपको 8.5 के रेट में मिल जाएंगे और दोनों अच्छे ऑप्शन भी रहेंगे। इनके बाद दोस्तों यहाँ से बैटिंग डिपार्टमेंट में शुभम गिल, शिवम दुबे और थप्पा तीनों इनफॉर्म बल्लेबाजों को मैं ट्राई करूंगा। इनके अलावा दोस्तों मनोहर भी काफ़ी शानदार पिक है, अगर गुजरात टाइटन का टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाए तो दोस्तों मनोहर और मिलर दोनों काफ़ी अच्छे रन बना सकते हैं, तो दोनों को आप अपनी ग्राइंडिंग में जरूर रोटेट करके चलना। गायकवाड़ का बल्ला काफी टाइम से खामोश है, कभी भी दोस्तों बड़े रन लगा सकते हैं तो रिस्की ग्राइंडिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। अगर चेन्नई का टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है तो रायडू भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पिक है, हालांकि रायडू थोड़ा सा अपनी पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे लेकिन हर मैच में स्टार्ट अच्छा मिल रहा है तो कभी भी बड़े रन लगा सकते हैं, तो रायडू दोस्तों आपकी ग्रैंड लीग टीम में जरूर से होने चाहिए। इनके बाद दोस्तों ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में जाएंगे तो हार्दिक और रविंद्र जडेजा को मैंने ट्राई किया है, मोइन अली को मैं अपनी टीम में ट्राई नहीं कर पाया, पीछे वजह यह दोस्तों क्रेडिट का काफ़ी इशू आ रहा था, लेकिन अगर आप ऐसे साइड पे खेल रहे हैं जहाँ पे क्रेडिट का इशू नहीं आ रहा तो वहाँ पर आप मोइन अली के साथ जा सकते हैं क्योंकि मोइन अली भी दोस्तों टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे और पार्ट टाइम में 1 या 2 ओवर टीम बॉलिंग भी करवा सकती है। तेवटिया गुजरात टाइटन की ओर से कभी भी दोस्तों प्रमोट किए जा सकते हैं तो रिस्की ग्रैंडली में आप जरूर ट्राई करना, कभी भी दोस्तों मैच फिनिशर के रूप में ही आ सकते हैं। बाकी नीचे के ऑप्शन में विजय शंकर हैं, टीम मौके अच्छे खासे दे रही है लेकिन दोस्तों मौके का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, पूरी तरह से स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे तो मैं राशिद को ट्राई करूंगा, लोकी फर्गूसन के साथ जाऊंगा, यहाँ से दोस्तों मैंने ब्रेव को ट्राई किया है, नीचे के ऑप्शन में देखोगे तो मैंने तिक्साना को रखा है और दोस्तों यहाँ पर 8 क्रेडिट में मैंने ट्राई किया है दयाल को। बाकी दोस्तों यहाँ से मोहम्मद शमी को मैं क्रेडिट इश्यू की वजह से नहीं ले पाया हूँ लेकिन अगर क्रेडिट मेंटेन होते हैं तो हम जरूर ट्राई करेंगे। जॉर्डन की जगह पे चेन्नई हो सकता है किसी अदर प्लेयर को रिप्लेस कर सकती है क्योंकि जॉर्डन का पर्सन है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा है। बाकी दोस्तों अभी के लिए ये जो आप स्क्रीन पर टीम देख रहे हैं ये हमारी एक डेमो टीम है, जो फाइनल टीम है वो पूरी तरह टॉस पे डिपेंड करेगी और टॉस के बाद टीम में जो भी चेंज होंगे उसकी हर अपडेट मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए 2 लिंक है दोस्तों, वो मैंने वीडियो के नीचे मेंशन किए हैं, जहां से आप क्लिक करके सीधा हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। बात कैप्टन वाइस कैप्टन की करें तो कैप्टन तो दोस्तों हार्दिक पांड्या ही सबसे बेस्ट और बेहतरीन पिक है, वाइस कैप्टन में दोस्तों शुभम गिल के साथ आप जा सकते हैं, रोबिन उथप्पा के साथ जा सकते हैं, इनके अलावा दोस्तों आप यहाँ से राशिद खान को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। बाकी दोस्तों ग्रैंड लीग के बारे में अगर बात करें तो ग्रैंड लीग में दोस्तों आप वार्डे के साथ ट्राई कर सकते हैं, रविंद्र जडेजा आपके पास अवेलेबल है, लोकी फर्गूसन है, यहाँ से दोस्तों डीजे ब्रेव है, मोहम्मद शमी को अगर आपने ट्राई किया है तो उनको भी ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन आप बना सकते हैं। बाकी मेरी फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन और अपडेटेड टीम आपको टॉस के बाद टेलीग्राम में मिल जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।